अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर ईद हॉलीडेज। सो स्टूडेंट्स, हॉलीडेज आर ओवर नाउ एंड वी शुड स्टार्ट आवर स्टडीज। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 8। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव रिमेंबर्ड, वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर 2। दिस इज क्लासिक्स ऑफ मुस्लिम लिटरेचर, मीन्स मुसलमानों का जो लिटरेचर है, अदब है, यानी कि जो मुसलमानों का राइटिंग्स में जो एफर्ट है, जो राइटिंग की है मुसलमानों ने, वो पोइट्री भी है, वो जो है वो स्टोरीज भी हैं, प्रोज है, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मजामीन है, इन सब को जो है वो लिटरेचर में शामिल किया जाता है। तो मुसलमानों का जो एफर्ट है, मुसलमानों की कितना मयारी है, कितना ज़बरदस्त है, कि वो बहुत पुराने ज़माने में भी जो मुसलमानों ने लिखा, मुसलमान शायरों ने, मुसन्निफीन जो थे, राइटर्स थे जितने, उन्होंने वो इतना फेमस था, इतना बेहतरीन क्वालिटी का था कि आज के दौर में भी वो ना सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। मुस्लिम लिटरेचर में जो पोइट्री में मुसलमानों की एफर्ट्स थी और मुसलमानों ने काम किया था, वो हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक मंतीकु तायर, द कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स। ये भी इस किसी हद तक पोइम भी कह सकते हैं, एपिक पोइम है, यानी ऐसी पोइम जो बहुत लंबी हो और जिसके अंदर स्टोरीज जो हैं वो बयान की गई हों। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत जो है वो फेमस वर्क है, पोइट्री से ही रिलेटेड ये एक चीज़ है, और ये इसका नाम है मंतीकु तायर, ये है द कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स। दिस क्लासिक वॉज रिटन इन पर्शियन बाय शेख फरीदुद्दीन अतर 1145 से 1221 तक का जो है वो टाइम ड्यूरेशन है। किसका? फरीदुद्दीन अतर, जो शायर थे, फारस से इनका ताल्लुक था, पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी जबान में इन्होंने ये स्टोरी लिखी है जो एक पोइम की शक्ल में है। द स्टोरी डिस्क्राइब्स हाउ द बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड सेट आउट इन सर्च ऑफ देयर किंग सिमोग, हुम दे हैव नेवर सीन। इस स्टोरी में बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, और ये परिंदों को बेस बनाकर, बर्ड्स के हवाले से ये स्टोरी लिखी है, लेकिन बेसिकली इसका जो थीम है, इसका जो मैसेज है, वो आपको टॉपिक के एंड में जो है वो मिलेगा, समझ भी आएगा तब आपको कि इसमें क्या पैगाम देने की उन्होंने कोशिश की है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये स्टोरी लिखी गई, जिसमें परिंदों के हवाले से बयान किया कि किस तरीके से वो अपने बादशाह की तलाश में निकलते हैं परिंदे, और उस बादशाह का नाम था सीमोग, लेकिन उन्होंने उसे कभी देखा नहीं था। द बर्ड्स पास थ्रू 7 वैलीज, और जब ये बर्ड्स निकलते हैं अपने बादशाह की तलाश में, सिमो की तलाश में, तो वो 7 वादियों से गुजरते हैं। वादी ऐसी जगह जहां पर जो है वो मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ तरह के हालात होते हैं, तो वो उसको वादी कहते हैं। और मुख्तलिफ वादियों से जब वो गुजरते हैं तो अलग अलग तरह की वादियों से उनका गुजर होता है, और अलग तरह के एडवेंचर्स का सामना उन्हें करना पड़ता है, और बड़ी मुश्किल से सरवाइव करके वो सिमोग के महल तक पहुंचते हैं। लेकिन वो कौन कौन सी वादी थी जिनमें से वो गुजरे हैं, वो यहाँ पर आपको नंबरिंग में बताई गई है। द वैली ऑफ लॉन्गिंग, जिसे कहते हैं वादी तलब, यानी ऐसी वादी जो ख्वाहिशात की वादी है, कुछ हासिल करने की वादी। द वैली ऑफ लव, वादी इश्क, मोहब्बत की वादी से। द वैली ऑफ नॉलेज ऑफ मिस्ट्रीज, पुरसरार चीज़ों के इल्म की वादी, वादी मारिफत जिसे कहते हैं। पुरसरार चीज़ें यानी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में कोई इल्म ना हो, कोई मालूमात ना हो, गैब की चीज़ें। और जब उन गैब की चीज़ों का इल्म हासिल होता है तो उसे मारिफत कहते हैं, यानी आम लोगों तक तो ये मालूमात नहीं पहुंचती, बहुत ही स्ट्रगल, जिद्दोजहद और गौर व फिक्र के बाद जो है वो इन चीज़ों की मालूमात हासिल होती है, जो पुरसरार चीज़ें हैं, और उस चीज को वादिये, उसको मार्फत कहते हैं। तो ये वादी थी जो नॉलेज ऑफ मिस्ट्रीज की थी। उसके बाद है वैली ऑफ डिटैचमेंट, वादिये इस्तगना।
डिटैचमेंट कहते हैं लातालुकी को, जुदाई को, अलग होने को, यानी बिछड़ने की वादी कह सकते हैं। ऐसी वादी जो जुदाई की वादी, जहाँ पे गम देखना पड़े, किसी से अलहदगी हो जाती है, जो दुख और तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो वो भी चीज़ें। बेसिकली ये वादी जो कहने का मकसद है, वो उन्होंने अपने इस सफ़र में जो कुछ सीखा, दर हकीकत इन चीज़ों से मुराद ये है कि ख्वाहिश की तलब में जब वो निकले हैं तो उनके अंदर कुछ हासिल करने की जस्तजू है और वो उस चीज़ को फील करते हैं। इसी तरह से जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उससे लगन और मोहब्बत का है। फिर उन जगहों से गुजर रहे हैं तो अजीब व गरीब मामलात से उनका वास्ता पड़ता है, नॉलेज ऑफ मिस्ट्रीज आ जाता है। वैली ऑफ डिटैचमेंट है लातालुकी या अलहदगी या जुदाई की, यानी सफर में बहुत से परिंदे ऐसे थे जो उनसे बिछड़ गए, अलग हो गए, तो उनसे बिछड़ने का और अलहदगी का दुख। तो ये सारी चीजें बेसिकली वो क्या है जो उनके सफर में उन्होंने महसूस किया, सीखा। और नेक्स्ट है वादी द वैली ऑफ यूनिटी, वादी तौहीद यानी यकतानियत की वादी, यकता की वादी, यानी कि इसमें भी जब वो इन हालात से गुजरते हैं तो उन्हें रब का के बारे में हकीकत का इल्म होता है, उसकी वहदानियत के बारे में मालूमात हासिल होती हैं। उसके बाद है वैली ऑफ वंडरमेंट, वादिये हैरत, ऐसी चीज़ें उन्हें अपने सफ़र में देखने को मिली जो उनके लिए हैरान कुन चीज़ें थी, यानी बहुत से चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ गई और जिनके बारे में इल्म भी नहीं था। उसके बाद है वैली ऑफ चोजन पावर्टी एंड एनिहिलेशन, वादिये फ़क्रो फना, यानी ऐसी वादी जिसमें जो है वो गुर्बत, भूख, तंगी और ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचाने का जो अमल, फ़कर और फना जिसे कहते हैं, जिसमें फ़कर कहते हैं फ़कीरी को, फ़कीरी जिसमें कुछ ना हो, गुर्बत हो, फ़कीरी हो, और एनिहिलेशन होता है फ़ना होना यानी ख़त्म हो जाना, गुर्बत और तंगी और ऐसी इन सारी चीज़ों से निकलना, या तो सर्वाइव कर जाना उन सारी चीज़ों में या अपने आप को ख़त्म कर देना। सो ये सारी जो वादी हैं इनसे वो परिंदे गुजरते हैं। और फिर क्या होता है, ओनली 30 बर्ड सर्वाइव द जर्नी, तो इन वादियों से गुजरने के बाद सिर्फ 30 परिंदे जो हैं वो इस सफर में बचते हैं। व्हेन दे फाइनली अराइव एट द पैलेस ऑफ सिमोग एंड द कर्टन्स आर रेज्ड, ईच बर्ड फाइंड्स अ मिरर इन फ्रंट ऑफ इट एंड सीज इट्स ओन रिफ्लेक्शन। जब उस महल में पहुंचते हैं परिंदे जो 30 बचे थे, तो वहां पर जाते हैं, हर तरफ पर्दे थे, और जब उनके पहुंचने पर वो पर्दे ऊपर उठाए जाते हैं तो उनके पीछे मिरर था, और जब परिंदों ने देखा तो हर एक परिंदे के सामने जो है वो एक मिरर था, एक आईना था, और उस आईने में जाहिर है वो परिंदा अपने आप को देख रहा था। जब सब ने ऐसे ही देखा कि हर एक बर्ड के सामने एक मिरर है, तो उन्हें तब अंदाजा हुआ कि बेसिकली सिमोग क्या है। इन पर्शियन सी मीन्स 30 एंड मोग मीन्स बर्ड, जो फारसी जबान है उसमें सी का मतलब है 30, नंबर्स जो होते हैं 30-30, और मोग कहते हैं परिंदे को। दे यूनाइट विद सिमोग हु इज ऑल ऑफ देम बट इज ऑल्सो ग्रेटर देन देम। तब उन्हें अंदाजा हुआ कि दर हकीकत वो 30 परिंदे जो हैं वो सारे के सारे जब मिल गए हैं, वो बचकर आए हैं, इन सारी मुश्किलात से सर्वाइव करके आए हैं, तो दर हकीकत वो सिमोग हैं, वो किंग हैं। और किंग कौन है, सिमोग कौन है, जो सब के सब जब मिल गए हैं, यूनाइट हो गए हैं, तो वो अपने आप से भी बढ़ के हैं, ज्यादा हैं। दिस बुक हैज इंस्पायर्ड ऑलमोस्ट एवरी पोएट ऑफ पर्शियन, उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। ये इतनी खूबसूरत लिखी गई पोइम थी, राइटिंग थी, कि इसने बहुत सारी जबानों में जो शायर लिखते थे, उर्दू जबान के शायर, फारसी जबान के या और जबानों के जो शायर थे, उन्होंने बहुत वो इससे मुतासिर हुए। अ फेमस पाकिस्तानी सॉन्ग रिटन बाय सहबा अख्तर इन द 1980s वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सिमोग। पाकिस्तान की एक जो है सहबा अख्तर थे, जिनका बहुत मशहूर एक सॉन्ग है, वो भी इसी को से इंस्पायर होकर लिखा गया था। और वो सॉन्ग कौन सा है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, आई एम पाकिस्तान एंड यू आर पाकिस्तान टू। इन दैट सॉन्ग पाकिस्तान बिकम्स द न्यू सिमोग, इट इज मेड अप ऑफ अस बट इट इज ऑल्सो मोर देन अस। यही चीज, यानी कि यूनिटी जो है, इत्तेहाद होना एक बहुत बड़ी नेमत है, और जब मुत्तहिद हो जाते हैं, यकजहती हो जाती है, तो इकट्ठे होकर एक और ज्यादा जो है वो पावरफुल चीज जो है वजूद में आती है।
तो उसी चीज की यूनिटी को शो किया था इस सॉन्ग में, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, यानी ये जो वतन है पाकिस्तान और हम पाकिस्तानी हैं, दर हकीकत हम बजाते खुद पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, जो दूसरा इंसान है जो पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तान है, हर एक पाकिस्तान है, इनफैक्ट क्या है हम सारे के सारे जो है पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान है हम वतन है, और जब हम सारे के सारे पाकिस्तान हैं, हम सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो अपना वतन का वजूद बन जाता है, तो वो वजूद हम सबसे बढ़कर है, हम सबसे ज़्यादा यूनिक है, हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था बेसिकली इस स्टोरी का मैसेज, जो इतनी लॉन्ग पोएम लिखी गई थी, बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखी गई, और फिर उसका जो मैसेज था बेसिकली वो यूनिटी था। ये आज के लिए इतना काफ़ी है। मंतीकू ताहिर, आपको मैंने रीडिंग इसकी कंप्लीट करवा दी है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आप सब इसकी रीडिंग करें और इस टॉपिक से रिलेटेड नोट मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेसन में करवाऊंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।